दोस्तों, अगर आप अपने सीने की मसल्स को चौड़ा करना चाहते हैं, चेस्ट को चौड़ा और ब्रॉड करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और ये करके आप अपने सीने को तेजी से चौड़ा बना पाओगे। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि 56 इंच का सीना, तो मतलब 56 इंच का सीना करने में क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो भी लोग अपने सीने को चौड़ा करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि अपनी अपर चेस्ट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अपर चेस्ट वो मसल्स होती है जो आपके सीने को देखने में चौड़ा फील कराती है, आपका ऊपर का हिस्सा चौड़ा लगता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि चेस्ट मसल्स को हमें कैसे टारगेट करना है, कौन कौन सा वर्कआउट करके आप अपने चेस्ट को डायरेक्ट टारगेट कर पाओगे। बस ये बात का ध्यान रखना कि जो चेस्ट वर्कआउट आप लोग करने वाले हो, इस चेस्ट वर्कआउट के साथ में आप लोग जिम वर्कआउट को मत मिलाना। मतलब जो चेस्ट वर्कआउट आपको बताया जाएगा, ये आप लोग केवल घर में परफॉर्म करना, और अगर आप जिम भी जाते हो तो जिम में फिर आप लोग चेस्ट की एक्सरसाइज मत करना, क्योंकि ये चेस्ट वर्कआउट केवल आपको घर पे करके और अपने सीने को चौड़ा करना है, जिम में इसे परफॉर्म नहीं करना है। पहले वर्कआउट की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डेड स्टॉक पुशअप। आप लोगों ने नॉर्मल पुशअप बहुत लगाया होगा, लेकिन अगर आपको सही से अपने सीने को ग्रो करना है, चेस्ट मसल्स को ग्रो करना है, तो आप लोग आज से लगाओ डेड स्टॉप पुशअप। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से पुशअप की पोजीशन में आके, और इस तरीके से जब हम लोग पुशअप लगाते हैं, तो जब नीचे आते हैं तो अपने हाथ को हटा लेते हैं और अपनी बॉडी को गिरा देते हैं जमीन पे, और फिर एकदम से धक्का मार के अपने शरीर को ऊपर करते हैं, पुशअप इस तरीके से लगाते हैं। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि अगर आप लोग 50 पुशअप लगा लेते हो, तो अगर आप लोग केवल ये जो डेड स्टॉप पुशअप है, ये केवल 20 पुशअप लगाओगे, तो वो 50 नॉर्मल पुशअप के बराबर होगा। ये वर्कआउट जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, उतना ज्यादा परफॉर्म करना, रिपीटेशन जितने निकाल पाओ, उतना ये ज्यादा बेहतरीन आपके ऊपर होगा। सेकंड अपने चेस्ट वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉज पुशअप। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अगर सीने को ग्रो करना है, तो पॉज पुशअप लगाना शुरू कर दो। क्या करना है, पुशअप की पोजीशन में आओगे, और उसके बाद में जब आप लोग नीचे जाओगे, तो अपनी बॉडी को जमीन से 1 से 2 इंच उठा के रखना और रोक के रखना, कम से कम 5 सेकंड। 5 सेकंड रोकना है और फिर ऊपर जाना है आप लोग को, फिर आप लोग को नीचे आना है, 5 सेकंड बॉडी को हवा में रोकना है और फिर ऊपर जाना है। ये सारे पुशअप एक्सप्लोसिव पुशअप में आते हैं, मतलब इन पुशअप को लगा के आपके अपर चेस्ट और साइड चेस्ट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिससे आपका सीना देखने में चौड़ा लगने लगता है, उसका शेप अच्छा होने लगता है। इस पुशअप के भी आप लोग जितने रिपीटेशन निकाल पाओ, उतने निकालने हैं, कम से कम 12 से 15 रिपीटेशन मिनिमम आप लोगों को करने हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे और सबसे बेहतरीन पुशअप की, जिसे हम बोलते हैं स्लाइड पुशअप। अब देखिए, स्लाइड पुशअप में आप लोगों को क्या करना होता है, कोई भी ऐसी चीज लेनी होती है जो आप अपने हाथ से फिसला सके, जिसे हम स्लाइड कर सके अपने हाथों से, तो आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज ले लेनी है, उसको अपने हाथों के नीचे रखना है, और आपको सबसे पहले अपने राइट और अपने लेफ्ट स्लाइड करना है। इस तरीके से अगर आप लोग अपने हाथों को फैला के और फिर वापस ला के पुशअप को परफॉर्म करते हो, तो ये होता है स्लाइड पुशअप। इसी में एक थोड़ा हार्ड वेरिएशन होता है, जो आप लोग करने की कोशिश करना, कर लोगे तो बहुत अच्छी चेस्ट मसल्स ग्रो होगी, जिसमें हम अपने हाथों को दोनों को आगे लेके जाते हैं, या फिर अपने केवल एक हाथ को आगे ले जाके और पुशअप को परफॉर्म करते हैं। ये हार्डेस्ट पुशअप माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जब आप लोग अगर ये करने लग जाओगे, परफॉर्म करने लगोगे, तो आप लोग देखोगे कि चेस्ट मसल्स में बहुत ज्यादा आपको पेन फील होगा, और ये पेन अगर आपको हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने चेस्ट को सही से टारगेट कर रहे हो, सही जगह पे आपने फोकस किया है, जिससे आप लोगों की चेस्ट मसल्स काफी तेजी से ग्रो होने लगेगी। तो स्लाइड पुशअप के ये दो वेरिएशन सही से परफॉर्म करो, आप लोग की चेस्ट काफी तेजी से ग्रो होगी। रिपीटेशन 15 से 20 निकालना स्लाइड पुशअप के, तभी ये आपको अच्छे से बेनिफिट करेगा। एक बात का ध्यान रखना, आज पुशअप लगाया है, आज ये वर्कआउट किया है, तो एक दिन का गैप देना अगली बार इसको करने से पहले, अल्टरनेट डेज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वर्कआउट के साथ में अपनी डाइट का भी ध्यान रखना, क्योंकि वर्कआउट करके हम केवल मसल्स को ब्रेक करते हैं, और उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए हमें अच्छी डाइट और हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल की जरूरत होती है। अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तो हमारी मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने खाने में ऐसे फूड भी इंक्लूड करो, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो। और अगर आप तेजी से अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं, वो भी आयुर्वेदिक फॉर्मूला के साथ में, तो इसके लिए आप लोग मसल ब्लेज के टी सर्ज ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मसल ब्लेज ने अपनी आयुर्वेदिक रेंज लॉन्च की है जो कि और दूसरे ब्रांड से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और ये रेंज पूरी तरह से आयुर्वेदिक है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ होने वाला है। मसल ब्लेज के टी सर्च ब्लैक में आप लोगों को 12 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जैसे अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, गोखरू, मुकुना प्रियोरियंस, फेन्योग्रीक, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में मदद करते हैं। साथ में इसमें आप लोगों को सलम पंजा और सफेद म्यूसली के भी इफेक्टिव डोजेस मिलते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप लगातार एक मंथ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्लीप बेटर होगी, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा और आपका फोकस भी बढ़ेगा। और अगर आप लगातार इसका 2 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्लीप में और भी ज्यादा एनहांसमेंट होगा, आपकी बॉडी का मसल मास इंप्रूव होगा, मसल मास बढ़ेगा जो कि मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप लगातार 3 महीने तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उसी के साथ में आपका स्टैमिना, आपका एंड्योरेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा जिससे आप जिम में ज्यादा वर्कआउट कर पाएंगे, हैवी वर्कआउट कर पाएंगे जो आपकी मसल्स गेन को इंप्रूव करने में भी मदद करेगा। मसल ब्लेज के टी सर्च ब्लैक के रोज आप लोग 3 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में 1 गिलास दूध के साथ में, और अगर आप चाहें तो इसके केवल 2 टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इसको इस्तेमाल करके। मसल ब्लेज के टी सर्च ब्लैक का मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और चेकआउट करते समय अगर आप लोग ये जो स्क्रीन पे कूपन कोड दिख रहा है इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इसे कम से कम 3 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो आपको अपने मसल मास में, अपने एंड्योरेंस में, अपने स्टैमिना में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। ये तो हो गई डाइट की बात। अब ये ध्यान रखना कि जो वर्कआउट, जो पुशअप आप लोग लगाओगे, कभी भी वर्कआउट करो तो कभी भी 60 मिनट से ज्यादा एक दिन में वर्कआउट मत करो, नहीं तो आप लोग की बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ने लगता है। तो 60 मिनट केवल हम लोग को वर्कआउट करना है और ये जो वर्कआउट आप लोग करोगे इसको कोशिश करो कि शाम को करो। मैंने बहुत बार बताया है कि शाम को टेस्टोस्टेरोन बूस्ट पे होता है और जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट पे होता है उस टाइम हम जो भी वर्कआउट करते हैं उसमें हम ज्यादा दम लगा पाते हैं, ज्यादा मेहनत से वर्कआउट कर पाते हैं जो हमारी मसल्स ग्रोथ को और ज्यादा प्रमोट करता है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत जरूरी है। मान लो आज आप लोग केवल 5 पुशअप लगा पा रहे हो, जो 3 पुशअप आपको बताए गए वो सारे पुशअप आप लोग केवल 5-5 रिपीटेशन लगा पा रहे हो तो समय के साथ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना मत भूलना। मतलब आज 5 लगा रहे हो तो 1 हफ्ते बाद आप लोग 10 कर दो, उसके बाद आप लोग 15 कर दो, ऐसे करते करते आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है और हर पुशअप को 50 तक लेके जाना है। जब तक आप 50 तक नहीं लेके जाओगे वो जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए, वो जो चेस्ट मसल्स का वॉल्यूम आपको चाहिए, मसल्स मास चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो धीरे धीरे 50 रिपीटेशन तक लेके जाओ और कम से कम 2 से 3 सेट लगाओ, तभी आप लोग को ये अच्छे से वर्क करेगा। तो इस तरीके से पुशअप करके अपनी चेस्ट मसल्स को आप लोग काफी तेजी से ग्रो कर पाओगे। आप लोग को यह ध्यान रखना है कि जितने भी वर्कआउट आप लोग करना फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ में और स्लोली स्लोली परफॉर्म करना, तो देखोगे चेस्ट मसल्स के जो फाइबर हैं वो काफी तेजी से ग्रो होंगे। नींद का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब वर्कआउट करते हो मसल फाइबर ब्रेक होते हैं और जब अच्छे से नींद लेते हो तो वो मसल फाइबर रिपेयर होते हैं। तो 7 से 8 घंटे की नींद लेना। और इसी तरह के अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो, मैं आपको हर बार बताता हूं कि स्क्रीन पे वीडियो लगा देता हूं जो बेस्ट वीडियो होते हैं चैनल के, तो आप लोग यहीं से वीडियो पे क्लिक करके किसी भी वीडियो को देख सकते हैं।